स्कूल क्लास में जब पूछा जाए कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, तो कई जवाब में हमें ऐसा सुनने मिलता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कई ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा होता है और वो अपने बचपन का सपना पूरा करना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर आप भी इनमें से ही एक हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, और आपको ये वीडियो जरूर यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना। कई लोग चाहकर भी डॉक्टर नहीं बन पाते जिसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होना, पढ़ाई में कमज़ोर होना, ट्वेल्थ में नंबर कम आना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, और भी कई वजह से कई लोग इस प्रोफेशन से पीछे हट जाते हैं। और सही में डॉक्टर बनना मामूली बात नहीं, कई सारा पैसा तो लगता ही है लेकिन मेहनत भी लगती है। तो नई जानकारी पाने के लिए आप सभी का स्वागत है राज सपोर्ट चैनल में। तो चलिए जानते हैं क्यों डॉक्टर बनना मामूली बात नहीं, क्यों डॉक्टर बनना एक आसान बात नहीं। एक अच्छा डॉक्टर बनने का डिसीजन कोई भी बड़ा इंसान नहीं ले सकता, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने में काफ़ी साल लगते हैं। इसलिए आपको बचपन से ही डॉक्टर बनने का गोल रखना होगा। आपको 10th के बाद ही डिसीजन लेना होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं। यदि हाँ, तो आपको 11th में साइंस लेकर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट रखना होगा, और 11वीं तथा 12वीं में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। 12वीं में अच्छे परसेंटेज लाकर आप मेडिकल में प्रवेश के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि 12th में हर सब्जेक्ट में आपको 50% से ज़्यादा मार्किंग से स्कोर करना होगा, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है। 11th और 12th क्लास के साथ ही इन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी होगी। आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपने मुताबिक CET, AIIMEE और NEET जैसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जहाँ पर अच्छे रैंक आने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जहाँ पर फीस ज़्यादा नहीं होती और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से दूर रहकर ही डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आप रैंक अच्छे नहीं लाते तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर फीस भी ज़्यादा होती है और डोनेशन भी देना पड़ता है। इन एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में नोट डाउन जरूर करें। इन एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको 11th 12th से ही आपकी इंग्लिश सुधारनी चाहिए। आप एक स्पोकन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने पर ही नहीं लेकिन आपको लिखने पढ़ने पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब बात करें कि MBBS की फीस कितनी होगी। एक बात का ध्यान रखें कि MBBS करने में बहुत पैसा लगता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसा कि हमने पहले बात की, तो आप NEET जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। भले ही आप MBBS गवर्नमेंट कॉलेज से करें, लेकिन उसकी फीस और सारे खर्चे जैसे किताबें, कोचिंग, हॉस्टल, उसका भी ज़्यादा खर्चा रहता है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, तो जवाब में डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल का MBBS करना होता है। इसे पूरा करने के बाद 1-2 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिससे आपको MCI यानी कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से डिग्री दी जाती है। इस तरह से आप 6.5 से 7 सालों में आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो यह थी डॉक्टर बनने की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका कोई दोस्त डॉक्टर बनना चाहता हो तो उसे ये जानकारी पूरी मिले। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा कोई जानकारी आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।